तीन बातें की तो प्रश्न से जुड़ी नहीं है, लेकिन दो तीन बातें मैं आपके माध्यम से सदन को और उनको कहना चाहता हूँ। एक सामान्य प्रक्रिया है स्मारकों का और धरोहरों का संरक्षण जो एसआई करती है, लेकिन उन्होंने दो बातों को उनने भी अपनी बात में कहा है कि कुछ राज्य सरकार के स्मारक हैं और वो चाहते हैं कि उसको भारत सरकार या एएसआई ले ले। अभी एएसआई ने एक अभियान शुरू किया है स्मारकों को फिर से रिलिस्ट करने का। अभी हमारे पास जो पंजीकृत स्मारक हैं उनकी संख्या लगभग 4,500 है, लेकिन हम भी मानते हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो हजार वर्ष पुराने हैं, पौराणिक काल के हैं, जिनके भारत सरकार की सूची में उनको स्थान नहीं है। हमने इसलिए एसआई ने तय किया है, तो मैं आपके माध्यम से उनको पहला तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, हमने सर्किल की बात की है, इस प्रश्न का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में दो नए सर्किलों का निर्माण हुआ है, एक बुंदेलखंड में झांसी जो एक महत्वपूर्ण स्थान है, दूसरा मेरठ। पहले मेरठ को लखनऊ जाना पड़ता था और झांसी के लोगों को भी लखनऊ जाना पड़ता था, तो मुझे लगता है कि वो दूसरी बात भी मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ। तीसरा, उन्होंने जो कहा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं, भारत सरकार पूरी तरह से उसकी चिंता करती है, लेकिन अगर राज्य सरकार का स्मारक है तो हमें राज्य सरकार की सहमति चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हमारा मानना ये है कि भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सारे स्मारक हो, जो राज्य सरकार अपने पास रखना चाहती है वो हमारी ही लिस्ट की 20 सूची में होगा, उस पर हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार की सूची में वो होगा। ये तैयारी भारत सरकार की है।